हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कि SOL का जो इंटरनल असेसमेंट बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, क्योंकि जो शेड्यूल है वो पहले ही निकाला जा चुका है। हालांकि अभी तक BCom प्रोग्राम का जो असेसमेंट था, जो 15 अप्रैल से शुरू होना था, उसकी तो कोई न्यू डेट नहीं आई है। बट अब जो अपकमिंग जो असेसमेंट है उनकी जो डेट है वो अभी शेड्यूल्ड है। तो इंटरनल असेसमेंट तो आपका शुरू हो जाएगा। अब इंटरनल असेसमेंट से पहले काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर, ये जो इंटरनल असेसमेंट होगा ये LMS पोर्टल पर होगा। तो ये LMS पोर्टल कौन सा है? प्रज्ञान पोर्टल है, जो आपके सामने भी देख रहे हो। इसी पोर्टल पर आपका सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के इंटरनल असेसमेंट कंडक्ट कराए जाएंगे। तो काफ़ी स्टूडेंट के क्वेश्चन आए थे सर यूज़र ID और पासवर्ड को लेकर, कि सर लॉगिन कैसे करेंगे, हम यूज़र ID भूल गए, हम पासवर्ड भूल गए हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सिंपल सी कुछ चीज़ें आपको नोट करा देता हूँ। पहली चीज़ ये कि आपका जो असेसमेंट होगा पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा और इसी पोर्टल पर होगा, प्रज्ञान पे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। अब जिनको यूजर ID नहीं पता है, तो यूजर ID सिंपल सी है, ध्यान से सुनिए। यूजर ID सिंपल सी है, पहले मैं आपको यूजर ID दिखाता हूँ। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो पासवर्ड आप फॉरगेट कर लेना, वो भी मैं बता रहा हूँ आपको फॉरगेट करना कैसे। पहले मैं यूजर ID आपको बता देता हूँ। यूजर ID आपकी है क्या? तो यूजर ID मैं आपको बताता हूँ। देखिए, LMS URL क्या है, URL आपको नोट कर लीजिए जिस पोर्टल पे आपका होगा। पोर्टल का लिंक है pragyan.col.du.ac.in, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये LMS पोर्टल है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इसको बोला जाता है, ठीक है। अब बात की जाए उस अकाउंट को लॉगिन कैसे करोगे, तो लॉगिन ID आपकी है क्या, ध्यान से सुननी है। ये जो एक्स दिख रहा है ना, ये जो एक्स है, यहाँ आपका रोल नंबर आएगा, रोल नंबर SOL रोल नंबर, उसी हिसाब से आपको रोल नंबर डालना, जैसे आपके ID कार्ड में है। रोल नंबर डालने के बाद, रोल नंबर के बाद आपको एट लगाना है, SOL, फिर ये वाला निशान DU.AC.IN। तो ये पूरा आपका लॉगिन ID हो गई। लॉगिन ID सबकी सेम है, बट SOL रोल नंबर आपको आपका लगा होगा, बाकी का सेम रहेगा पीछे का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पासवर्ड। पासवर्ड होता क्या है कि जो फर्स्ट टाइम यूजर होते हैं उनका जो पासवर्ड SOL ने दे रखा होता है, वो दे रखा होता है लर्न एट 1 2 3 4 5। बट होता क्या है कि कभी कभी इस पासवर्ड से लॉगिन नहीं होता है, या आप उसको फॉरगेट कर चुके थे पहले असेसमेंट देने के बाद, अब वो पासवर्ड आप भूल चुके हो। ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? देखिए, सिंपल सी बात है, आपका लॉगिन ID होनी चाहिए बस। पासवर्ड आप खुद क्रिएट कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉगिन ID क्या है आपकी? लॉगिन ID है आपका SOL रोल नंबर, जो ये XX दिख रहा है रोल नंबर, @SOL/DU.AC.IN, ये आपका लॉगिन ID हो गया, ठीक है। SOL रोल नंबर डाल दोगे और लास्ट में आप ये वाली डिटेल डाल दोगे तो आपकी लॉगिन ID तैयार हो जाएगी। सबके लिए बता रहा हूँ, पासवर्ड नहीं पता, भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको रीसेट करना पासवर्ड। पहले आपको LMS पोर्टल पर आ जाना। तो जो URL था लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे चुका है, इस पोर्टल पर आप आ जाओगे। इस पोर्टल पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे यहाँ लॉगिन का ऑप्शन आ चुका है, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने देख सकते हो इस तरीके खुल जाएगा। एक मिनट में दिखा दो आपको। हाँ, ठीक है, खुल गया, ठीक है। नीचे आओगे, एक्चुअली होता यही है कि डेस्कटॉप पे ही ये सपोर्ट करता है ठीक से, तो फ़ोन से भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आपके मैं से लैंडस्केप करता, ठीक है। आप देखिए, जैसे हमने कर लिया, अब मैंने इसे सीधा कर दिया। अब देखिए, अब क्या करना है, अब मान लीजिए हमें यूजर नेम तो पता है, यूजर ID हमें पता है, हमारा रोल नंबर है, प्लस जो हमने डिटेल डाली थी, बट हम पासवर्ड भूल गए। अब ऐसी कंडीशन हम लॉगिन कैसे करें? सिंपल सा है, आप फॉरगेट पे क्लिक कीजिए, फॉरगेट का ऑप्शन हो रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए क्लिक हो चुका है, अब हमारे सामने इस तरीके की डिटेल आ जाएगी। देखिए, हमने क्लिक कर दिया, अब आपको अपनी लॉगिन ID डालनी है। लॉगिन ID कौन सी ID? ईमेल ही डालना है आपको, लॉगिन ID, वही लॉगिन ID जिसमें आपका रोल नंबर SOL रोल नंबर प्लस लास्ट में @SOL/DU.AC.IN वो डालना है। अब देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, रीसेट के लिए आपके मोबाइल नंबर पे OTP नहीं आएगा, बार बार कह रहा हूँ। उसमें जो मोबाइल नंबर का जो ऑप्शन है वो काम नहीं करता है, ईमेल पर ही सिर्फ आएगा, अभी मोबाइल नंबर का काम नहीं कर रहा है। अगर आपका ईमेल रजिस्टर्ड वाला जो ईमेल जो आपने एडमिशन के टाइम पे SOL में लगा रखा है, अगर वो ईमेल आपका चालू है, तो उस ईमेल पे आपके एक लिंक आएगा। क्या करना है आपको? लॉगिन ID डालना है, कैप्चा डालना है, ईमेल सेलेक्ट कर रखा है ऑटोमेटिकली, 7 कैरेक्टर जो भी कैरेक्टर है वो आपको डाल देना, रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। अब होगा क्या, आपका जो ईमेल होगा, जो ईमेल आपने SOL में दे रखा होगा, उस ईमेल पे एक मेल आएगा, ठीक है। मेल आएगा, उस पर एक लिंक दे रखा होगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे लिंक पे क्लिक करोगे, फिर आपको उसी वेबसाइट पर लेकर जाएगा, फिर वहाँ पे आप न्यू पासवर्ड जनरेट कर सकते हो, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, फिर आपका पासवर्ड जो रीसेट हो जाएगा, फिर आप इसको लॉगिन कर पाओगे और इस पासवर्ड को आप नोट कर सकते हो। आप काफ़ी स्टूडेंट के सवाल थे
सर हो ये रहा है कि मैं डिटेल बिल्कुल ठीक डाल रहा हूँ, मेरा ईमेल भी चालू है, बट मेरे ईमेल पे जो है लिंक नहीं आ रहा है। तो अगर आपका ईमेल जो है वो चालू है, जो आपने लगा रखा है SOL के अंदर, अगर आपके में ईमेल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कि इसके सर्वर डाउन है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो इस पोर्टल के सर्वर डाउन है। अगर मेल तब मेल आ रहा है बट आपका जो मेल है वो बंद हो चुका है, ऐसी कंडीशन में अभी तो SOL की तरफ से इसको चेंज करने के लिए कोई प्रोसेस है नहीं। क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर आपको ईमेल आईडी चेंज करना है तो आप SOL की वेबसाइट पर डैशबोर्ड पर जाके ईमेल आईडी चेंज कर सकते थे, बट वो वाली सर्विस भी अभी डाउन है, OTP आपके मोबाइल फ़ोन पे नहीं आता। तो यानी ऑनलाइन माध्यम तो अभी ईमेल चेंज करने का बंद है, जिनका ईमेल बंद हो चुका है। हो सकता है इंटरनेशमेंट से पहले आपको ईमेल चेंज करने का मौका मिले, वरना फिर ऑफलाइन जाकर आपको नॉर्थ कैंपस अपने कैंपस जाकर ही आप अपना ईमेल जो है चेंज करा सकते हो, जिनका ईमेल बंद हो गया है या जिनको चेंज कराना है, ठीक है। विदाउट ईमेल आप अपना जो पासवर्ड है उसको रीसेट नहीं कर पाओगे, बार बार इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मोबाइल OTP की अभी सुविधा चल नहीं रही है, चलनी चाहिए। क्योंकि मोबाइल अगर OTP चल जाए तो ईमेल की जरूरत ना पड़े, बट ईमेल पे ही आपके लिंक आएगा। तो सिंपल सा है, एंटर लॉगिन आईडी डालोगे, अगर पासवर्ड फॉरगेट करना है ईमेल सेलेक्ट ऑलरेडी ये कैप्चा डाल देना, रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे आपके ईमेल पे एक लिंक आएगा, क्लिक करोगे न्यू पासवर्ड अपना रीसेट आप कर लोगे, ठीक है। तो सिंपल है। और बाकी बात की जाए, अगर ईमेल नहीं आ रहा वेट कीजिए, सर्वर पोर्टल डाउन हो सकता है, क्योंकि सर्वर का इशू चलेगा, क्योंकि अभी पोर्टल ही एक्टिवेट नहीं हुआ है, ठीक है। और अगर लॉगिन भी हो रहा है जिनका, तो पुरानी डिटेल ये भी शो करेगी, क्योंकि SOL की तरफ से जानकारी ये दी गई है कि जल्दी आपको LMS पोर्टल पे जो असेसमेंट देखने को मिलेंगे, SOL काम कर रहा है इस पे, जो भी टेक्निकल ग्लिचेस है उनको सुधारा जा रहा है, और बहुत जल्दी आपके असेसमेंट इसी महीने के एंड तक मुझे लगता है शुरू कर दिए जाएंगे। और जैसे असेसमेंट शुरू होंगे मैं आपको बता दूंगा। ये था लॉगिन प्रोसेस, कैसे आपको लॉगिन करना है, और जैसे ही आपका ईमेल और वो बन जाए फिर यहाँ पे आपको आना है, यूजर नेम डालना, पासवर्ड डालना, फिर लॉगिन आपको अपना कर लेना है, ठीक है। तो बाकी वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा।